परियों, हमें बताइए तो सही, आपने हमारी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है और ये आप हमें कहाँ लेकर आई हैं? नहीं रानी परी, वो हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वो बताने की नहीं दिखाने की चीज है। बाल परी, रानी परी, हम सब परियों की ओर से आप इस नए रानी महल को स्वीकार कीजिए। परियों, सचमुच इतने विशाल और सुंदर परी महल को देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही। रानी परी, आपकी प्रसन्नता अधूरी है। आपके जन्मदिवस को और यादगार बनाने के लिए हमने परिलोक का नवीनीकरण कर दिया है। ये देखिए, परी लोग के इस नए रूप को देखकर आज बहुत खुश हैं। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। रानी परी, जिस तरह से पृथ्वी लोक में बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, ठीक उसी तरह से हम सब मिलकर आपका जन्मदिन भी परीलोक में मनाना चाहते हैं। हाँ। आज्ञा दीजिए। हमारी आज्ञा है भटकाती परी। आपने हमारे जन्म दिवस पर हमें इतने प्यारे प्यारे उपहार देकर हमारे जन्म दिवस को विशेष बना दिया। शुक्रिया बाल परी, शुक्रिया परियों। सोने दो डुबा डुबा एक। अरे उठो डुबा डुबा भाइयों, आओ इधर। ओ क्यों चिल्ला रहे सुबह सुबह डुबा डुबा एक है। अरे तुम सबको मेरे चिल्लाने की कर्कश आवाज पर नहीं सुनाई दे रही तुम्हें ये मधुर ध्वनि? हाँ आओ इधर जल्दी। डुबा एक? हाँ? है क्यों बज रहा है मधुर संगीत? नहीं पता तुम्हें है क्यों बज रहा है मधुर संगीत? नहीं नहीं, नहीं। है बज रहा है मधुर संगीत इसलिए क्योंकि है रानी परी का जन्म दिवस आज। इसका मतलब हम सबको मिलेगा नए परिवार में जाने का मौका। हाँ डुबा डुबा भाइयों, है देर किस बात की, चलो नए परिवार में। भाइयों, है आ गए हम नए परिवार में, चलो।
रहो रानी परी, खुश रहो, खुश रहो परियो, खुश रहो, खुश रहो डुबा डुबाओ, खुश रहो। रानी परी देख के नया परिवार आ गया मजा। हाँ वाकई में रानी परी है ये नया परिवार बहुत ही खूबसूरत और है कितने रंग बिरंगी फूल। ये मोहक खुशबू मुझे फिर से नींद आ रही है। हाँ हाँ सो जाओ तुम मजे से और है लेते हम मजे नए परिवार के। वो रहा खरगोश डुबा डुबाओ। करना क्षमा हमें रानी परी, दरअसल देख के मनमोहक दृश्य नए परिवार का खो गए थे हम और गए बोल हम ये कि है बुलाया आपने हमें यहाँ किस लिए। डुबा डुबा जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे परिलोक का नवीनीकरण हो रहा है, बहुत सारी पुरानी वस्तुओं और स्थानों को बदला जा रहा है, इसकी वजह से परिलोक का काम बहुत बढ़ गया है। हाँ डुबा डुबा इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब हम परियों का सहयोग करें और तुरंत नटखट परी की पुरानी प्रयोगशाला में पहुंचे। नटखट परी की पुरानी प्रयोगशाला है जाता उसका रास्ता तो नए परिवार से होते हुए। इसका मतलब डुबा डुबा भाइयों मिलेगा हमें एक और मौका नए परिवार से होते हुए जाने का। देखिए ना परियों सारी डूबा डूबा कितने उत्साहित है। रानी परी हम भी डूबा डूबाओं का मार्गदर्शन करने जाते हैं। ठीक है परियों आप जाइए। जी रानी परी। कैसा लग रहा है पानी का टेस्ट? लीजिए हॉट टॉवल। हनी वो चोट किसको लगी है? हमें से चोट किसी को नहीं लगी है क्योंकि जब चोट लगती है ना तो माँ ऐसे हॉट टॉवल से सिकाई करती है। हाँ। ये तो बहुत फनी है। बेटा ये हॉट टॉवल मुंह पोंछने के लिए है। ये 5,000 का टॉवल है और उसके ऊपर 10,000 का परफ्यूम डाला है फ्रांस का। पोछो पोछो मुंह पोछो मुंह पोछो। दस हजार का परफ्यूम है। बच्चों कैसा लगा? बहुत अच्छा। डुबा डुबाओ अगले 2 घंटे तक शुभ काल चल रहा है और इन्हीं 2 घंटों में हमें ये सारी पुस्तकें नए पुस्तकालय में पहुंचानी है। 2 घंटे होगा कैसे? पता नहीं। अब इतनी सारी पुस्तकें 2 घंटे में है ये कैसे संभव परियो? डुबा डुबाओ हमें पता था कि आपके मन में ये शंका जरूर उपस्थित होगी, इसीलिए रानी परी ने आप लोगों के लिए हंस खटोले का निर्माण किया है। हंस खटोला? हाँ ये है हंस खटोला। है ये खटोला तो बहुत ही खूबसूरत पर है कैसे ये चलता? डुबा डुबा एक जैसे आप इस वाहन को आदेश देंगे वैसे ही ये चलेगा। अगर आप इस वाहन को कहेंगे कि चलो तो ये वाहन चलने लग जाएगा। अगर आप इस वाहन को कहते हैं तेज तेज तो इसकी गति और भी तेज हो जाएगी और जैसे ही आप इस वाहन को कहेंगे कि रुक जाओ तो ये वाहन रुक जाएगा। धन्यवाद परियो धन्यवाद।
वे हम डुबा डुबा भाई बहुत कुछ इस हंस खटोले को पाकर। हाँ। अब ना ही होगा दर्द हमारे पैरों में और ना ही होगी महसूस हमें थकान। हाँ। अब जल्दी कीजिए डुबा डुबाओ, इन सारी पुस्तकों को नए प्रयोगशाला में लेकर जाइए। जी परियो। मुड़ो, चलो। क्यों डुबा डुबा भाइयों? है बढ़ गई परीलोक की सुंदरता तो पहले से कई गुना, और इस हंस खटोले के सारे हो रहा है काम और परीलोक का भ्रमण भी साथ साथ। वाकई में है दिया रानी परी ने कमाल का वाहन हमें। देख के इसकी विशेषता आ गया मुझे तो बहुत मजा। अरे कोई मेरे 50,000 के शेफ को बुलाओ 5,000 का नाश्ता लेके। दौलत राम, 5,000 का नाश्ता? इतना सारा नाश्ता? अरे वो क्या पूरी कॉलोनी आ रही है? मोटा भाई ये तो एकदम ही फनी है ना आपका। बेटा मेरे 50,000 के शेफ ने 5,000 का नाश्ता बनाया तुम सबके लिए, और मोटा भाई आपके लिए 2,000 रुपए किलो वाली हर्बल टी भी मंगवाई है मैंने। अरे सर्व करो। खास आपके लिए मंगवाई है मैंने। पीजिए पीजिए। क्या ये हर्बल टी है या हॉरिबल टी है? क्या चीनी नहीं है? अरे चीनी है। अरे नहीं है। अरे चीनी है, मैंने चीन से मंगवाई है, चीनी है। ए, मेरे कहने का मतलब है इस चाय में शक्कर नहीं है। हाँ। इससे अच्छी तो 5 रुपए की कटिंग होती है। हाँ। क्या मोटा भाई, मेरे 40 करोड़ के बंगले में आकर ऐसे ऐसी छोटी बातें क्यों करते हैं? थोड़ा तो स्टैंडर्ड बढ़ाइए। चलिए चलिए 5,000 का नाश्ता कीजिए। बुआ जी पहले हम लोग सब फ्रेश हो जाएं, फिर आपका ये 5,000 वाला नाश्ता कर लेंगे। हाँ हाँ जाइए जाइए फ्रेश हो जाइए। मैंने अपने सारे बाथरूम में 5,000 के फेस वॉश रखे हैं और मुंह धोने के लिए मिनरल वाटर। क्योंकि मनी है तो मनी है। चलिए चलो चलो चलो। हाँ डुबा डुबा भाइयों, वाकई में है ये तो नई प्रयोगशाला बहुत ही सुंदर। हाँ। वाह डुबा डुबा भाइयों, है क्या तुमने बहुत ही अच्छा काम। चलो है चलते मुड़ो, चलो। वाह। हाँ तो डुबा डुबा भाइयों करो शुरू उठाना पुस्तक। अब
पड़वा दिन है तुम्हारी बारी। डुबा डुबा भाइयों, वो देखो वो क्या रही है, क्यों कांप रही है वो पुस्तक? जादूगर जिम्बोला